Assalamualaikum my dear friends, कैसे हैं आप सब लोग। I hope आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एक हर्बल हेयर सीरम। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इससे जो आपके बाल हैं उनको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलती है और ये बालों के रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा इससे हेयर फॉल और डैंड्रफ बहुत कम हो जाती है और हेयर फॉल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। आप लोग इस सीरम को अपने घर पर बनाएं और यूज़ करें। इसमें सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं मोस्टली इनमें से, और वो बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हर्बल हेयर सीरम बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो, इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें शामिल है शीका काई हमें इसके लिए चाहिए 1/2 kg, आमला इसके अंदर जाएगा 1/2 kg, उसको आप थोड़ा क्रश कर लें, सोपनट्स इसके अंदर 1/2 kg जाएंगे, ये ऑप्शनल है, वाटर इसके अंदर जाएगा 1 जग भर के, गार्लिक जूस इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1/2 जो कप है वो, जिंजर जूस जो जाएगा वो भी इसके अंदर 1/2 कप जाएगा, 10 to 12 teaspoon बनता है, एलोवेरा फ्रेश आपने लेना है उसके 2 लीव्स को कट कर लेना है, इसके अंदर मेथी दाना जाएगा 100 ग्राम, क्लौंजी इसके अंदर जाएगी 100 ग्राम और विटामिन ई के कैप्सूल जाएंगे 3 से 4, कैस्टर ऑयल जाएगा 3 टेबल स्पून, कोकोनट ऑयल इसके अंदर जाएगा 3 टेबल स्पून। सबसे पहले हम लेंगे पैन, पैन के अंदर हम पानी डालेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे आंवला जिसको हमने क्रश कर लिया था। आंवला जो है वो बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और बालों को बहुत नरिशमेंट देता है। इसके अलावा ये हेयर फॉल को बहुत कम कर देता है, लाइक ख़त्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है शीका काई, ये जो है ये बालों को कूलिंग एजेंट है और विटामिन सी प्रोवाइड करता है और बालों की ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल है। ये दोनों चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है, लाइक इसका एक्सट्रैक्ट निकल आए ठीक सा। तो इसको हमने तकरीबन 1/2 घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने देना है। थोड़ा सा मैं पानी इसके अंदर और डाल रही हूँ। इसको तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और जो पानी है वो हमने तकरीबन 1 जग डाला था उसका 1/2 रह जाए, तब तक हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। ये देखें इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है और इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं। तकरीबन जो आंवला है और शीका काई उसका एक्सट्रैक्ट पानी के अंदर निकल आया है, वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। हमने इसके बाद इसको किसी भी स्ट्रेनर से पुन लेना है। आप बेशक इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद पुन लें, ये आप पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ये ठंडा हो गया था, मैं इसको पुन रही हूँ और साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा टैप टैप करके दुबाते जाएं ताकि जो एक्सट्रैक्ट है इनके अंदर सॉफ्ट, क्योंकि ये काफ़ी हो चुके हैं, वो कम्प्लीटली निकल जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाएं, प्रेस करते जाएं। साथ साथ जो आप दबा लेंगे यानी उसको प्रेस कर लेंगे उसके बाद वो डिस्पोज ऑफ करी जाएं। इस तरह से ये सारा मटेरियल जो है इसको हमने पुन लेना है।
नेक्स्ट हम लोग लेंगे एलोवेरा का पौधा। आप फ्रेश एलोवेरा लीव्स यूज़ करें और दो एलोवेरा लीव्स मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। एलोवेरा जो है वो बालों को सॉफ्ट करता है और जो बालों की स्किन है उसको काफ़ी रिलैक्स करता है, यानी सुकून देता है। इसके अलावा एलोवेरा डैंड्रफ ख़त्म करने में भी बहुत हेल्पफुल है। इट्स प्योरली ऑर्गेनिक, सारी चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनिक यूज़ हो रही हैं। इतने साइज़ के दो लीव्स इसके काट लें और उसके बाद उनको पील ऑफ कर लें, लाइक जो उनके दरमियान में जेली लाइक मटेरियल होता है वो निकाल लें और जो इसके बाहर से लीव्स के ऊपर कवर है वो उतार दें। ये थोड़ा ट्रिकी काम है क्योंकि वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर, तो इसलिए इसको इस तरह से पील ऑफ करें और दरमियान से ये जेली वाला मटेरियल आप निकाल लें। इस तरह से करके ये जेली लाइक जो मटेरियल बनेगा उसको आप अलग से एक बाउल में निकाल लीजिए और इन दोनों लीव्स को पील ऑफ कर लें। आप तरह से लीव्स सारे जो हैं उनको पील ऑफ कर लेना है। उनको पील ऑफ करते हुए ज़रा ध्यान रखें क्योंकि ये हाथ से बहुत स्लिप करते हैं बिकॉज ये जेली लाइक सब्सटेंस है, तो इसको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लें और एक बाउल में निकाल लें। नेक्स्ट ये जो सारी जेल थी उसको मैंने कर लिया है ब्लेंडर में ब्लेंड और ये प्रॉपरली हो गई है ब्लेंड। नेक्स्ट अब हम लोग लेंगे एक पैन, उसमें तकरीबन एक ग्लास पानी डालेंगे और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 100 ग्राम्स मेथी दाना। मेथी दाना जो है ये रिच इन प्रोटीन है और ये बालों के हेयरफॉल को रोकता है। नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ क्लौंजी, 100 ग्राम ऐड करेंगे और ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये बालों की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है और हेयर फॉल को बहुत कम कर देता है। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको हमने पकाना है तकरीबन आधे घंटे तक के लिए, जब तक कि इसका पानी जो है हमने एक ग्लास डाला था वो रिड्यूस होकर 1/4 रह जाए, तब तक हमने इसको पकाते जाना है। नेक्स्ट फिर हमने किसी भी स्ट्रेनर से इसको अच्छी तरह से पुनक लेना है। हमने जो एक ग्लास पानी डाला था वो अब रिड्यूस होके तकरीबन एक छोटा स्मॉल कप जो होता है उतना रह गया है। यहाँ तक आपने इसको पकाना है और फिर इसको अच्छे से पुन लेना है। ये है हमारा मेथी दाना एंड क्लौंजी का एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट एक बाउल लेंगे, उसमें एलोवेरा का जो एक्सट्रैक्ट था वो तकरीबन मैंने हाफ डाल लिया है, ऑलमोस्ट 10 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गार्लिक का जूस। गार्लिक जूस जो है वो विटामिन सी इनरिच होता है, वो तकरीबन 5 टेबल स्पून ऐड किया है। अब जिंजर एक्सट्रैक्ट जो है वो हम लोगों ने डालना है, वो भी 5 टेबल स्पून ऐड किया है। ये बालों की ग्रोथ को बहुत इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इसके अंदर डाल रही हूँ मेथी दाना एंड क्लौंजी का एक्सट्रैक्ट तकरीबन 1 स्मॉल कप। नेक्स्ट जो हम लोगों ने बनाया था आंवला एंड शिकाकाई का एक्सट्रैक्ट, वो इसके अंदर डालना है तकरीबन 1 कप स्मॉल, यानी छोटे वाला। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है ये बहुत ही अच्छा है बालों के लिए भी, आईलैशेस के हेयर्स के लिए भी। ये जो है ये बालों के स्कैल्प को नरिश करता है, उसको मॉइस्चराइज करता है और बालों को सिल्की एंड शाइनी बनाता है। ये आप आईलैशेस के लिए भी यूज़ किया करें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इसके अंदर कोकोनट ऑयल किसी भी कंपनी का ले लें, मैंने एक सिंपल सा जो मिलता है वो यूज़ किया है। ये बालों की हेल्थ को इंक्रीज़ करता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है। ये भी 3 टेबल स्पून भर के डाल दिया और कैस्टर ऑयल भी। नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे वाइटामिन ई के कैप्सूल्स। वाइटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं ये बालों की रूट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
मैंने तकरीबन 4 कैप्सूल्स इसके अंदर अच्छी तरह से डाल दिए हैं। नेक्स्ट इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर 2 लेयर्स हैं, एक ऑयली लेयर है और एक एक्वस यानी पानी वाली लेयर है। तो ये कभी भी आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं होंगी। इनको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से शेक कर लें या फिर मिक्स कर लें। हमारा बहुत ही नरिशिंग, बहुत ही अच्छा सा हेयर सीरम रेडी है जिसमें सारे नेचुरल सोर्स हैं। आप इसको शावर लेने से तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले बालों की स्कैल्प में और बालों की रूट्स में अच्छी तरह से अप्लाई करें और उसके बाद आप शावर कैप ले लें और 3 घंटे बाद आप बालों को वॉश कर लें। अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ बॉटल्स के अंदर, क्योंकि बाउल से शिफ्ट करना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको एक जग में डाल लिया है और अब मैं इस तरह की बॉटल्स में इसको ट्रांसफ़र करूँगी और इसको स्टोर कर लूँगी फ्रिज में। ये तकरीबन 1 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, बट इसको आपको फ्रिज में रखना होगा। और अगर आपने इसको शैम्पू के तौर पे यूज़ करना है तो आप इसमें ऑयल्स ना डालें, इसमें आप सोप नट्स डालें और उनको स्टार्ट में ही आमले, रीठे एंड छिकाकाई के साथ पका लें, ठीक हो गया। और आप इसके अंदर बेबी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं जो केमिकल्स जिसमें ज़्यादा नहीं हो, बट अगर आपने वो यूज़ नहीं करना तो आप सोप नट्स ऐड कर लें, बट मैंने सीरम रेडी करना था इसलिए मैंने वो नहीं डाले। तो हमारा बहुत ही अच्छा सा हेयर सीरम हो गया है रेडी। यूज़ करने से पहले इसको थोड़ा सा शेक कर लें, अपना बहुत ख्याल रखें, जल्दी से इस सीरम को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके बाल बहुत 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 बेहतर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, शान से जिएं और अपनों का मान रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।